ये है चावल की पकौड़ी। इनमें ना कोई सोडा, ना इनो, ना कोई दाल मिलाई है। सिर्फ एक कप चावल से बनी ये खस्ता कुरकुरी पकौड़ी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। और चावल पहले से भिगो दीजिए तो ये फटाफट बन जाती है। और इसके साथ बनाइए हरे धनिये की चटपटी चटनी। नमस्कार, nishamandalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। एक कप चावल वजन में 200 ग्राम अच्छे तरीके से साफ करके धोकर 2-3 घंटे पानी में भिगोकर ले लिए। अगर आपके पास टाइम है 4-5 घंटे भिगोकर ले सकते हैं। देखिए एकदम से नरम हो गए हैं। आप इस तरीके से इन्हें मसले तो ये टूटने लग गए। और आप इन्हें ओवरनाइट भी भिगोकर ले सकते हैं। इनके लिए बासमती या पुलाव वाले चावल की जरूरत नहीं है। जो आप इडली डोसा के लिए भिगोते हैं वही चावल ले लीजिए। 2-3 टेबल स्पून पानी डाल दीजिए और इन्हें बारीक पीस लीजिए। एकदम बारीक स्मूथ सा पेस्ट बन गया। ये 2 बॉईल आलू छील लिए हैं, इसी में इन्हें काट कर डाल दीजिए। इन्हें भी एकदम बारीक पीसना है। 2 हरे मिर्च छोटे साइज के हैं, अगर बड़े साइज का है तो एक ही ले लीजिए। और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी छोटा छोटा काट कर डाल दीजिए। अब इन्हें फिर से पीस लीजिए। आलू चावल एकदम अच्छे से मिल गए, स्मूथ पेस्ट बन गया। अब इसमें कुछ और मसाले डालिए। ये 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया। मिला लीजिए अच्छी तरह से। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी, जैसे आप बेसन के पकौड़े बनाते हैं बिल्कुल उस तरह की। इसमें इनो या बेकिंग सोडा कुछ भी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पकौड़ियाँ अपने आप ही बहुत ही फूली फूली और क्रिस्पी बनेंगी। बैटर बन गया, इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और तब तक पकौड़ियों के साथ परोसने के लिए चटनी बना लीजिए। चटनी बनाने के लिए ये 1/2 कप हरा धनिया डंडी सहित काट कर ले लिया और ये 1/2 कप करी पत्ता डालकर चटनी बहुत टेस्टी बनती है। तो ये आपके पास है तो जरूर डाल दीजिए। और ये 2 छोटे साइज के हरे मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, कच्चा ही जीरा लिया है, भुना जीरा भी डाल सकते हैं। ये 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा काला नमक, इसकी जगह सफेद नमक भी ले सकते हैं, लेकिन चटनी में काला नमक डालते हैं तो उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है और वो डाइजेस्टिव भी होती है। ये 2 छोटे चम्मच नींबू का रस, 1/2 नींबू निचोड़ लिया। और इसमें डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून मूंगफली के दाने भुने छिले। इनसे चटनी थोड़ी सी ज्यादा भी बन जाएगी और टेस्टी भी बन जाएगी। अब डाल दीजिए 2-3 टेबल स्पून पानी और इसे बारीक पीस लीजिए। ये चटनी पीस गई। थोड़ा सा पानी जार में डालकर ले लिया। ये बन गई टेस्टी चटनी। इसे भी रखे हुए 10 मिनट हो गए, ये भी तैयार है। अब चलते हैं इन्हें बनाने के लिए गैस के पास। ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, इसे चेक कर लीजिए। बैटर अच्छे से फूल के ऊपर आ गया, ऑयल गरम है। और इन्हें तलने के लिए ऑयल मीडियम हाई गरम होना चाहिए, फ्लेम भी मीडियम हाई। अब इसमें पकौड़ियां तलने के लिए डाल दीजिए। तो हाथ से थोड़ा थोड़ा बैटर उठाइए और कढ़ाई में डालते जाइए, जितनी आसानी से आ जाए उतनी पकौड़ियां डाल दीजिए। पूरी पकौड़ियां अच्छे से फूल गई हैं, तैरने लगी। अब इन्हें आप पलट पलट कर चारों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। अच्छा सा कलर आ गया इनके ऊपर, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करनी है। अब इन्हें निकाल लीजिए। कलछी को कढ़ाई के किनारे पर थोड़ी देर रोकिए ताकि इसमें से जो तेल निकल रहा है वो कढ़ाई में वापस चला जाए। सारी पकौड़ियां इसी तरीके से तल लीजिए। एक बैच को तलने में 5-6 मिनट लग जाते हैं। देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में बहुत ही मजेदार है। और इनके साथ जो चटनी बनाई है वो भी बहुत ही चटपटी और टेस्टी है। आप इन्हें अपने किसी भी मनपसंद चटनी और सॉस के साथ परोस दीजिए, सभी बहुत खुश होकर खाएंगे। और बनाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चावल पहले से भिगोने का जरूर ध्यान रखिए, 4-5 घंटे पहले भिगो दीजिए। जब आप बैटर बना रहे हैं तो बैटर में ज़्यादा पानी नहीं डालें, चावल को पहले बारीक पीस लें और थोड़ा सा गाढ़ा बैटर, जैसे आप बेसन का बैटर बनाते हैं पकौड़ों के लिए, बिल्कुल वैसा ही बना लें। और इन्हें तलते समय ध्यान रखें कि तेल मीडियम हाई गर्म हो और फ्लेम हाई हो। आप बहुत अच्छी चावल की पकौड़ी बनाएंगे। तो आप बेसन और दाल की पकौड़ी तो खाते ही रहते हैं, इस बार ये वाली चावल की पकौड़ी बनाकर खाइए और मुझे बताना मत भूलिए कैसी लगी। अपने सजेशन देते रहिए, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।